देखो ये क्या करता है, हेल्पर टी सेल एक्टिवेट जब होता है तो क्या करता है, सेल मीडिएट इम्यून रिस्पांस भी करवाता है और ह्यूमरल इम्यून रिस्पांस भी करवाता है। दोनों मैंने क्या कहा था, दोनों साथ साथ काम करते हैं ना, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस दोनों साथ साथ काम करते हैं, क्योंकि उन्हों को हेल्प करता है हेल्पर सेल, और हेल्पर सेल के ऊपर जब एंटीजन होती है तो क्या बन जाता है, मेजर हिस्टो कॉम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्लास वन। आ गई बात समझ में, यानी कैसे पता चले कि हेल्पर सेल एक्टिवेट हो गया, जब हेल्पर सेल MHC बन जाए क्लास वन, ठीक है। अच्छा, एक मरतबा जब ये एक्टिवेट हो गया तो क्या करेगा, ये अपने हार्मोन छोड़ेगा, पीछे मैंने कहा था ये भी हार्मोन छोड़ेगा, दोनों तरफ जाएंगे, उसको क्या कहोगे, लैम्फोकाइनिन। लैम्फोकाइनिन आएंगे तो किसकी तरफ आएंगे, ह्यूमरल रिस्पांस में, किसको देते हैं, बी लिम्फोसाइट। तो क्या बनाता है, प्रोड्यूस मेमोरी बी लिम्फोसाइट एंड कॉजेज प्लाज्मा सेल टू प्रोड्यूस मोर एंटीबॉडीज। दो क्लोन बनते हैं जिसको प्लाज्मा सेल कहेंगे, और प्लाज्मा सेल के दो टाइप होते हैं, एक मेमोरी सेल और दूसरे इफेक्टर सेल बोलो, प्लाज्मा सेल बोलो, वो सेल बोलो जो एंटीबॉडीज को बनाते हैं। अच्छा, मगर जब साइटोटॉक्सिक टी सेल जो होते हैं वो उन्हों को जब ये लैम्फोकाइनिन एक्टिवेट करके जैसे ही एंटीजन के बारे में बताता है तो साइटोकाइनिन टी सेल एंटीजन रिसेप्टर के साथ जब एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं तो साइटोटॉक्सिक नहीं बनते, मगर क्या बनते हैं, मेजर हिस्टो कॉम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्लास टू बन जाता है। तो MHC क्लास टू, MHC क्लास वन कब बनेगा, जब हेल्पर के साथ एंटीजन, कब बनेगा, जब साइटोटॉक्सिक के साथ एंटीजन मिले। तो फिर ये कैसे रिस्पॉन्ड करता है, दो कस्म के, प्रोड्यूस करता है किसको, मेमोरी टी सेल, प्रोड्यूस करता है किसको, प्रोडक्शन ऑफ लाइसिस टारगेट ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ये बनाता है। और प्रोड्यूस क्यों किया मेमोरी सेल, कि ये सेम पैथोजीन जब रीइंफेक्शन करे तो अब कोई दूसरा काम सेल नहीं करेगा, मन को दूसरा काम करेगा मेमोरी सेल करेगा, इस तरह रिस्पांस देता है बाबा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब देखो थोड़ा एक एक सेल को मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखा है, तो इसका क्या काम होता है, आपने अब क्लियर तो हो गया, समझ भी गए होंगे, फिर भी मैंने लिखा है कि हेल्पर टी सेल क्या करते हैं, द हेल्पर टी सेल रिसेप्टर कैन रिकॉग्नाइज द कॉम्बिनेशन ऑफ एन एंटीजेनिक फ्रेगमेंट विथ वन ऑफ द बॉडीज ओन सेल्फ मार्कर, जिसको एंटीजेनिक रिसेप्टर कहते हैं। जब एंटीजेनिक रिसेप्टर सेल्फ मार्क से एंटीजन फ्रेगमेंट को टी लिम्फोसाइट रिसीव करे तो उस वक्त इसका नाम मेजर हिस्टो कॉम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्लास टू, ये फिगर रही। मेजर हिस्टो कॉम्पेबिलिटी क्लास टू नहीं रहता, ये तो क्लास वन बनेगा। मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ बी सेल्स आर मैक्रोफेजेस, इन्हों के ऊपर रहती है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल, द रिसेप्टर ऑन द साइटोटॉक्सिक टी सेल रिकॉग्नाइज द कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीजन फ्रेगमेंट एंड सेल्फ सरफेस मार्कर मॉलिक्यूल्स, उसी तरीके से इट इज कॉल्ड मेजर हिस्टो कॉम्पेबिलिटी क्लास ए अकॉर्डिंग टू द डायग्राम क्लास टू। मगर आप देखना, थोड़ा नोट करना बाबा, कि आपके टेक्स्ट बुक में साइटोटॉक्सिक के साथ एंटीजन मिलती है तो क्लास वन बनता है या क्लास टू बनता है। प्रेजेंट ऑन एवरी न्यूक्लिएटेड सेल्स ऑफ इट्स ओन बॉडी, ये बनाते हैं। अच्छा, सप्रेसर सेल का क्या काम होता है, दिस सेल हैव टू स्टॉप द इम्यून रिस्पांस इन बोथ बी सेल्स एंड साइटोटॉक्सिक सेल्स व्हेन द इन्फेक्शन इज ओवर व्हेन द इन्फेक्शन इज कॉन्कर्ड, जब इन्फेक्शन ख़त्म हो जाए तो सप्रेसर सेल उन सेलों को आकर रोक देता है कि रिस्पांस कंप्लीट हो गया है, पैथोजन ख़त्म हो गया है, फर्दर रिस्पांस ना दो। इसको कहते हैं सप्रेसर सेल, जो मॉडरेट तरीके से बी सेल और टी सेल को चलाने में मदद देता है, इसको सप्रेसर सेल कहा जाता है। देखो बाबा,
अब मेमोरी टी सेल का क्या काम है, इसको कहते हैं गार्ड सेल्स, ये गार्ड करते हैं। ड्यूरिंग द सेल मीडिएट इम्यूनिटी रिस्पॉन्स, सम टी सेल्स आर कन्वर्टेड इन टू द मेमोरी टी सेल। कुछ टी सेल ऐसे होते हैं जो मेमोरी टी सेल में तब्दील हो जाते हैं। ये देखो आपको मैंने कहा था कि ये जो टी सेल मेमोरी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मेमोरी टी सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और दिस सेल हेल्प इन क्विक रिस्पॉन्स व्हेन देयर इज एन अदर अटैक ऑफ सेम इन्फेक्शस। सेम, आप क्या कहोगे बाबा कि ये सेम इन्फेक्शस ऑर्गेनिज्म, जब वही ऑर्गेनिज्म दोबारा से अटैक करे तो फिर मेमोरी सेल काम करते हैं। देखो बाबा, आप दोनों को समराइज करके पेश किया गया है कि ये रिस्पॉन्स होता है ह्यूमरल इम्यूनिटी का, ये होता है सेल, तो ह्यूमरल इम्यूनिटी वर्सेस सेल मीडिएट इम्यूनिटी, तो क्या कहोगे? ह्यूमरल इम्यूनिटी। इंटेक्ट एंटीजन तो कौन लेता है? बी सेल्स। ये है टी हेल्पर सेल। एंटीजन इनगल्फ एंड डिस्प्लेड बाय द फेगोसाइट। आपने आपने पढ़ा था ना कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस दोनों मिलकर काम करते हैं, मगर यहाँ पर हम देखते हैं कि सेल मीडिएट इम्यूनिटी और ह्यूमन इम्यूनिटी को चलाता कौन है? हेल्पर सेल। वो पीछे जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था उसमें भी ये बी लिम्फोसाइट एक्टिव हो गया, ये टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट एक्टिव होगा तो क्लोन बनाएगा, क्या बनाएगा? प्लाज्मा सेल, और क्या बनाएगा? मेमोरी सेल। ये दोनों क्लोन है किसके? बी लिम्फोसाइट के। मगर जैसे ही प्लाज्मा सेल बनेंगे तो सीक्रेट एंटीबॉडी दैट डिफेंड्स अगेंस्ट द एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन उसके खिलाफ काम करते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन को सेम करते हैं। जब वही किस्म का पैथोजन यानी बैक्टीरिया दोबारा एक्टिव होगा तो इसको क्विक और रैपिड रिस्पॉन्स देने के लिए मेमोरी सेल का काम होता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसे होगा कि साइटोटॉक्सिक एक्टिव हो गए तो क्या बनाते हैं? मेमोरी टी सेल बनाते हैं और एक्टिविटी सेल बनाते हैं। जब एक्टिविटी सेल बनेंगे तो क्या करते हैं? डिफेंड अगेंस्ट द इन्फेक्टेड सेल, कैन सीरियस ट्रांसप्लांटेड सेल, और ये क्या करते हैं? ऐसे सेल दोबारा जब इन्फेक्ट रीअपियर हों तो मेमोरी सेल उन्हों को किल करने में मदद देता है। देखो बाबा, इसी पूरे इम्यून सिस्टम के अंदर हम किसको पढ़ते हैं? हार्मोन्स को। तो कहते हैं हार्मोन्स ऑफ इम्यून सिस्टम, जिसको हम क्या कहते हैं? साइटोकाइनिन और लेम्फोकाइनिन। लेम्फोकाइनेस बोलो, लेम्फोकाइंस बोलो या साइटोकाइंस बोलो, ये हार्मोन्स है हमारे इम्यून सिस्टम के। साइटोकाइनिन और लेम्फोकाइंस आर द हार्मोन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। दीज आर प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स एंड रेगुलेट द इम्यून रिस्पॉन्स। ये इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट करने में मदद देते हैं। देयर आर मैनी हारमोन्स सच एज इंटरल्यूकाइन, इंटरफेरॉन, लेम्फोकाइनिन, साइटोकाइनिन। दीज आर द हारमोन्स विच कम्युनिकेट द रिएक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम। देखो बाबा, उसके बाद जब हम इंटरफेरॉन की बात करते हैं तो इंटरफेरॉन इज आल्सो इन अदर हार्मोन। क्या कहोगे कि इंटरफेरॉन आर यूज्ड इन रिस्पांस टू द वायरल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन में काम करते हैं, एंड अदर स्टिमुलाई। किसी भी किस्म का स्टिमुलाई आ गए तो उसके खिलाफ रिस्पांस देना, और वायरली इन्फेक्टेड सेल्स के लिए। फर्स्ट टाइम कोई भी वायरस जब हमारे बॉडी के अंदर इंटर होता है, जब बॉडी फर्स्ट टाइम किसी पैथोजन से इन्फेक्टेड होती है, ये इंटरफेरॉन ही होता है जो हमारे बॉडी को बताता है। इंट्रेंस एंटीजन के बारे में बताने के लिए इसका नाम इम्यून सिस्टम में अलार्मिंग हार्मोन रखा गया है। ये अलार्म देता है पूरे इम्यून सिस्टम को कि पैथोजन आ चुका है। अच्छा, क्या करता है? दे कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ वायरस, वायरस के ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, एंड इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ नेचुरल किलर सेल्स, एनके सेल्स। यानी इसका काम है कि बॉडी को बताया भी, अलार्मिंग भी दी,